तो शुरुआती दौर में हमें ये ऑनलाइन से नोटनी रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर हमने इसका प्रशिक्षण किया। तो ये करना है और ये आगे चलेगा 2-3 महीना, तो उसकी ठीक ढंग से प्लानिंग होनी चाहिए। तो महानगर पालिका का प्रशासन की परवानगी उसके चाहिए, फिर पुलिस परवानगी उसके लिए चाहिए। ये कोरोना उद्धा हम घर पे तो नहीं रह सकते, उनको 10 दिन बाहर रहना है। तो जहाँ पे रहना है उसका रेसिडेंट की हमने व्यवस्था की, उनके खाने की व्यवस्था की। जब ये आए तो उनकी वैद्यकीय मेडिकल चेकअप भी हमने किया, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो वो स्वस्थ होने चाहिए। ऐसे युवा जो राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यकर्ता है उनको आह्वान किया, उनका चेकअप किया। और ये संघ की तरफ से जैसे अभी पूना में शुरू हुआ था, ठाणा में हुआ, उनकी भी मदद हुई। और यहाँ के डॉक्टर है, बड़ा चैलेंज महानगर पालिका के पास जब था, हम जब गए उनके पास तो ये कहने लगे ठीक है आपके पास डॉक्टर अवेलेबल है क्या, सभी अपने अपने वैयक्तिक डिस्पेंसरी क्लोज किए थे, घबरा गए थे। तो उनके सामने ये डॉक्टरों की एक बड़ी चुनौती थी। तो हमने डॉक्टरों का आह्वान किया कि हम एक फीवर ओपीडी चलाएंगे, आप उसमें आना है और हमारे स्वयंसेवक परिसर में जाएंगे, जहाँ आप महानगर पालिका जहाँ कंटेनमेंट घोषित किया है वहां पे जाएंगे और होम टू होम जाकर स्क्रीनिंग करेंगे और जो फीवर का पेशेंट है उसको बाहर निकलेंगे। तो ऐसे डॉक्टरों को भी कॉन्फिडेंस दिया। शुरुआती में महानगर पालिका से बातचीत करते समय ये जो उपक्रम है तो थोड़ी परवानगी के लिए तकलीफ हो गया, लेकिन महानगर पालिका का फिर सहभाग बहुत अत्यंत अच्छा रहा। तो उन्होंने भी हमको कॉपरेट किया, हमने भी अपने कार्यकर्ता लगाए। तो अभी 7 जुलाई तक हमने लगभग 52,000 पब्लिक का हमने ये मास स्क्रीनिंग किया है, उसमें से लगभग असिम्टोमेटिक भी थे, सिम्टोमेटिक भी थे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक्चुअली इस पूरे अभियान में कितने लोग, क्योंकि आपका काम प्रबंधन का था तो कुल कितने लोगों को इसमें आप लोगों ने जोड़ा ताकि इसे इतने बड़े पैमाने पर लोगों की सेवाएं दे सके। सबसे कम 500 जन को जोड़ा उसमें, इसमें ऐसे रहा कि कुछ स्वयंसेवक संघ के और पब्लिक का भी सपोर्ट किया, ऐसे कोई संगठन थे, गणपति उत्सव मंडल के थे, कोई सामाजिक कार्यकर्ता थे, महानगर पालिका के कर्मचारी थे, अधिकारी थे, ये सबको जोड़कर एक काफिला हमने कारवा बनाया और ये फिर अभी चलते चलते जा रहा है। तो बहुत बढ़िया बात आपने कही कि सेवा के लिए इतना बड़ा आपने कारवा काफिला बनाया। इस अभियान के जो प्रमुख हैं महेश शिंदे साहब हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये पूरा अभियान, ये व्यवस्थाएं तो हो गई कि 500 वॉलंटियर्स हो गए, उसमें डॉक्टर्स भी थे, उसमें आपके कार्यकर्ता जो आरएसएस के संघ के कार्यकर्ता भी उसमें थे, जनरल पब्लिक भी थे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है उस चीज को ड्राइव देना। आप उस मास स्क्रीनिंग अभियान के, आप मुखिया के तौर पर, प्रमुख के तौर पर उस अभियान को आपने चलाया, कितना चुनौतीपूर्ण रहा है इस अभियान, क्योंकि आप खुद की सुरक्षा भी इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि वो खतरे खतरे वाली जगह है, कंटेनमेंट जो जिसको घोषित किया गया है, उस जोन में जाकर आप लोगों को, लोगों की जांच करने वाले थे, कितना चुनौतीपूर्ण रहा है ये काम? ये जैसे योगेश जी ने बताया, तो पहले ये जो फूड पैकेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना वगैरह काम चल रहा था, तभी से अड़चनें हमारे ध्यान में आ रही थी कि एक जो वातावरण बन गया था कि ये कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, इससे आदमी, इस पे कोई दवाइयाँ नहीं है, कोई वैक्सीन्स नहीं है, तो लोगों के मन में अत्यंत डर बैठा हुआ है। और ऊपर से कुछ सिचुएशन ऐसी हो रही थी, बहुत सारी कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम ऐसा एक कंसेप्ट चालू किया था। तो क्योंकि लोग बहुत दिन से घर में बैठे हुए थे, घर में बैठ के मैक्सिमम टाइम कम से कम दिन में 2 घंटे न्यूज चैनल देखना, उसमें न्यूज चैनल्स में जो संख्या आती थी उससे अत्यंत भयावह परिस्थिति समाज में है, ऐसा एक लोगों को, ऐसा लोगों ने ऐसा एक चित्र बना लिया। तो जब आवाहन करना चालू किया था कि भाई हमें ऊपर से फूड पैकेट देने के लिए बाहर जाना पड़ेगा या आगे जाके हम लोगों को एक्चुअल स्क्रीनिंग का काम भी करना पड़ सकता है, आवाहन करने के बाद क्योंकि ये डर बैठा हुआ था मन में, तो लोग आवाहन
करने के बाद भी जो फील्ड पे उतरने के लिए जो लोग आते थे उनकी संख्या बहुत कम थी। yes. तो हालांकि उनको दोष नहीं दे सकते क्योंकि इस तरह का वातावरण बन गया। तो वैसे हमारे पास एक अच्छा चीज ये थी कि जनकल्याण समिति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसका पूना में ऑलरेडी एक स्क्रीनिंग का कैंपेन शुरू हो गया था। तो जब उसके बाद ये थाना में शुरू हुआ तो इसमें जब हमने नवी मुंबई जिला की तरफ से जब इनका अनुभव हम लोगों ने शेयर करने के लिए बातें करना चालू किया तो एक बात बहुत अच्छी थी कि हमारे पास ऑलरेडी ये बहुत सारा एक्सपीरियंस था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करके। दूसरा इसमें अच्छा था कि सभी डॉक्टर्स थे, मतलब उसमें बहुत सारे बड़े बड़े सर्जन थे पुणे के या बड़े बड़े बहुत नामांकित डॉक्टर थे। इन्होंने ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया था कि अगर मुझे मास स्क्रीनिंग करना है तो इसका क्या प्रोसेस होना चाहिए, इसमें क्या सेफ्टी होना चाहिए, सेफ्टी के लिए क्या होना चाहिए, रहने के लिए अगर कर रहे तो क्या होना चाहिए, ये सभी चीजों का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया गया। तो उसका हमको बहुत फायदा हुआ। तो यही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, फिर बहुत सारी बैठकें, फिर जिला कार्यवाह जी अपने संघचालक जी इनका मार्गदर्शन, ये सब चीजों के बाद हमको सच बोलूं तो विषय का प्रमुख होने पर भी मेरे मन में भी एक डर था, पर ये जो एक संगति बैठकों के बाद जो एक कॉन्फिडेंस आता है वो कॉन्फिडेंस को लेके हमें सोचा कि ये काम को जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों ने जो पत्र व्यवहार करना चाहिए, जो कॉरेस्पॉन्डेंस करना चाहिए नवी मुंबई महानगर पालिका, जो कि एक मेन पिलर था पूरे नवी मुंबई महानगर पालिका में, और हमको ये अनुभव आ रहा था कि नवी मुंबई महानगर पालिका लगभग फेब्रुवरी महीने से ही इस कोरोना के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा था। yes. और हम जब तक उनके पास पहुंचे, मतलब लगभग मिड ऑफ मे तक पहुंचे मास्क स्क्रीनिंग का विषय लेके, तो वो ऑलरेडी बहुत थके हुए थे। ये बात भी हमको एक याद रखनी पड़ेगी कि नवी मुंबई महानगर पालिका भी लगभग कम से कम एक 14 घंटा हर एक उनका कर्मचारी काम कर रहा था। अच्छा, तो वो भी थके हुए थे। तो हमको ये लगा कि हम लोग जब ये काम करेंगे तो हम लोग का उद्देश्य ये रहेगा कि नवी मुंबई महानगर पालिका के साथ एक सहायक की भूमिका बन जाए। yes. अपनी पूरी जो ताकत है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समाज में शाखाओं के माध्यम से जो ताकत है नवी मुंबई में, वो ताकत नवी मुंबई के साथ अगर नवी मुंबई महानगर पालिका के साथ अगर हम लगाएंगे तो उससे हम कुछ ना कुछ साध्य कर सकेंगे। इसीलिए फिर हमने लगभग मई 18 तारीख से एक पत्र व्यवहार चालू किया, फिर बहुत सारी लगभग शुरुआत में 7-8 बैठकें हुई, हफ्ते में 3-3, 4-4 मीटिंग्स होती थी। तो वो मीटिंग्स में हालांकि थोड़ा समय लगा एक्चुअल काम करने के लिए, क्योंकि तब तक नवी मुंबई महानगर पालिका ने भी एक मॉडल लेके स्क्रीनिंग का काम चालू किया था। yes. वो मॉडल में वो एक सेंटर प्लेस पे बैठते थे और लोगों को आह्वान करते थे कि आप आइए। yes. और आप आइए यहाँ पे, यहाँ पे हमने एक कैंप लगाया, वहाँ पे आइए और आप अपना चेकिंग करके लेके जाइए। लेकिन जैसे मैंने कहा था, लोगों में बहुत डर था, तो लोग बाहर निकलने के लिए भी डर थे। इसमें हमारा जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से जो मॉडल था, वो मॉडल में ऐसा था कि हम जो बस्ती में जाएंगे, जो एरिया में जाएंगे, वो एरिया में हर एक घर में जाएंगे और हर एक घर के हर एक आदमी का स्क्रीनिंग करेंगे, टेम्परेचर स्क्रीनिंग करेंगे और उसको बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे उनकी तबीयत के बारे में। yes. और वो प्रश्नों के आधार पर हम डिसीजन लेंगे कि ये इनका आगे और चेकिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस तरह से उसकी शुरुआत हुई। yes. कुल कितने लोगों तक आप लोग पहुंच पाए? जैसा कि आप बता रहे हैं मीट मे से आप लोगों का अभियान शुरू हुआ, तमाम जो प्रोसीजर थे उसके बाद, अब इस चुनौतीपूर्ण समय में कितने लोगों की स्क्रीनिंग आपके माध्यम से हो चुकी है, आरएसएस के अभियान के जरिए हो चुकी है और वो भी डोर टू डोर हो चुकी है? इसका जैसे मैंने कहा कि शुरुआत में कुछ दिक्कतें आई शुरू करने में, लेकिन उसके बाद क्योंकि ये मॉडल अलग था नवी मुंबई महानगर पालिका के साथ जो शुरू किया था उसका, उस मॉडल के हिसाब से फिर अपने नवी मुंबई महानगर पालिका के जो उपायुक्त है
तो उन्होंने उन्होंने ये लगभग सातवीं आठवीं मीटिंग में ये कहा कि ठीक है, आपका ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से, ये मॉडल के हिसाब से हम एक जगह पे ये शुरू करेंगे। तो हमने ईश्वर नगर निगम का जो इलाका है वहाँ पे इस मॉडल की शुरुआत की। वो बहुत सारे लोगों को आह्वान किया, वो आह्वान करने पे लगभग 60 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ। 60 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, लेकिन जब हमको शुरुआत करनी थी एक्चुअल, तब एक्चुअल फील्ड पे एक 16 लोग थे। वो 16 लोगों से हमने ईश्वर नगर में शुरुआत किया। 4 दिन हमने ईश्वर नगर में हर एक घर में हर एक व्यक्ति का स्क्रीनिंग किया, और ऐसे लगभग हम लोग 8,500 लोगों का हमने स्क्रीनिंग किया। अच्छा, वो 8,500 में 8,500 लोगों में से लगभग हम लोगों को 160 लोग जो सिम्टमेटिक मिले। ओके, वो सिम्टमेटिक लोगों का नाम और उनको क्या तकलीफ है ये पूरा हमने नवी मुंबई महानगर पालिका को दिया, और वहाँ से आगे जो है वो नवी मुंबई महानगर पालिका ने किया। तो जब नवी मुंबई महानगर पालिका को कुछ हफ्तों में ये समझ में आया कि ये मॉडल जो है वो वर्केबल मॉडल है, यस, तो हमारे साथ उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो ये जो एक शुरुआत की, उसके बाद फिर वो शुरुआत होने के बाद उसका स्पीड अपने आप बढ़ गया। तो मतलब ये कह सकते हैं कि जो आरएसएस ने मॉडल दिया, एसओपी जो दिया, उसी एसओपी पर आज महानगर पालिका काम कर रही है, और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है घर घर जाकर हो रही है, जो स्क्रीनिंग हो रही है, ये अपन कह सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, मतलब हमने जो शुरुआत की वो मॉडल में भी कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट के चांसेस थे, वो उन्होंने जोड़ के वो अभी हर एक जैसे कह रहे हैं ना, हर एक एरिया में जाके वो घर-घर में जाके स्क्रीनिंग चले। एक आपने बात कही कि 8,500 लोगों की स्क्रीनिंग हुई, उसमें 160 लोग जो सिम्टमेटिक जो पाए गए, लक्षण कुछ पाए गए कि इनको आगे जांच करना है या क्या करना है। ऐसी कंडीशन में जैसा कि आप बता रहे थे अभी योगेश जी कि एक तकरीबन 52,000-55,000 के आसपास जो है आपके अभियान के जरिए स्क्रीनिंग हो चुकी है, इनमें जाहिर सी बात है अगर 8,500 में 160 लोग अगर सिम्टोमेटिक मिले हैं तो इसमें भी सैकड़ों हजारों लोग मिले होंगे। इनका जब आपकी रिपोर्ट जाती है कि इस तरह के लक्षण इनमें पाए गए हैं, उसके बाद मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि महानगर पालिका का प्रोसीजर क्या होता है किसी किसी व्यक्ति को लेकर कि इसमें सिम्टोमेटिक जो इंडिकेशंस दिख रहे हैं, उसके बाद महानगर पालिका उन लोगों के साथ किस तरह से आगे किस तरह से डील करती है, क्या उनको हॉस्पिटल भेजा जाता है, आपका अनुभव क्या है इस मामले में? इसमें हमारा अनुभव जब हमने शुरू किया उसमें जब भी महानगर पालिका के पास जो सिम्टमेटिक लोग थे, क्योंकि ये सब मॉडल में सबसे जरूरी चीज अगर कुछ होगी तो ये है कि जो लोग सिम्टमेटिक है उनको जल्दी से जल्दी उस बस्ती से अलग करना, उनके ऊपर इलाज करना और उनको वापस बस्ती में भेजना, क्योंकि जो रेड जोन है, हालांकि हमने सभी रेड जोन में ही काम, तो रेड जोन में से जब सिम्टमेटिक लोग दूर हो गए तो वो ऑरेंज जोन में कन्वर्ट हो जाते, और जब ये सभी लोग ठीक होके वापस आएंगे तो वो ग्रीन जोन हो जाते। तो इसमें जब हम लोग ये सब व्यक्तियों का नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, उनको क्या करनी है, ये डेटा जब हम महानगर पालिका को देते थे तो महानगर पालिका का वो वार्ड ऑफिस में जो मेडिकल ऑफिसर्स है उनके यहाँ पे जो ओपीडी चलती थी वहाँ पे उनको बुला के उनका पूरी पूरी तरह से चेकिंग होता था। कुछ चीजें इसमें सीजनल होती थी तो उनको दवाई दे के उनको घर पे वापस भेजा जाता था, लेकिन कुछ चीजें, कुछ लोग ऐसे है कि जिनको कोरोना बाधित हो सकता है ऐसी जो आशंका आती थी तो उनका वो वहीं पे स्ट्रैप टेस्ट लेते थे, स्ट्रैप टेस्ट लेके वो टेस्टिंग के लिए भेजना, और ऐसे लोगों को क्वारंटाइन करना, ऐसे महानगर पालिका आगे प्रोसीजर करती है। इसके बाद जो आप क्या कहना चाहते हैं, ये जो डेटा बनता डेटा में तीन खास करके इस पे बिंदु देख, 60 अबाव जो एज है और छोटे बच्चे है और गर्भवती जो स्त्रियां है उसका खास हम लोग ख्याल रखते हैं। जैसे मास स्क्रीनिंग एक फील्ड पे काम हो गया, जब ये कोरोना योद्धा जब रेसिडेंट करते थे किसी घर में तभी वहां पे एक 2-3 घंटा जो हमने मास स्क्रीनिंग में ये जो तीन जो वयोगत है उसके खास करके उनको कॉल करना, और आपको कुछ सिम्टम्स है क्या, कुछ दिक्कतें है क्या, दवाई की आवश्यकता है क्या, तो ये इनका काउंसलिंग करना कंटेनमेंट जोन में सबसे
किनको हो सकता है बाधित, तुरंत कौन हो सकते हैं? तो जिनकी एज जास्ती है, गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चे, तो ऐसे परिवार को हम लोग टारगेट कर देते हैं। और ये हमसे होता था, फिर ये डेटा महानगर पालिका, तो ऐसे दोनों बातों से ये काम होता था। बहुत बढ़िया आपने कहा कि चूंकि उनके ऊपर विशेष ध्यान रखने की जरूरत थी, क्योंकि सबसे ज्यादा पहले वो प्रभावित हो सकते थे। एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, चूंकि वो विषय आपसे जुड़ा हुआ है, ये सारा अभियान आपको कितना सार्थक लग रहा है? स्क्रीनिंग तो हो रही है, जो पेशेंट है जिनके लक्षण दिख रहे हैं वो मिल भी रहे हैं, लेकिन जिस तरह से संख्या बढ़ रही है और जिस मकसद के लिए एक लॉकडाउन लगाया गया है, क्या आपको लगता है कि वो मकसद पूरा हो रहा है? क्या अभियान स्क्रीनिंग का चल रहा है, आपके माध्यम से चल रहा, महानगर पालिका ने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके शुरू कर दिया, लेकिन ये जिस मकसद के लिए हो रहा है कि कोरोना की चेन, जो संक्रमण की चेन है वो टूटेगी और इस शहर को फिर से लॉकडाउन से मुक्त किया जा सकेगा, आपको इस अभियान में कितनी सार्थकता नजर आ रही है? क्या इसका व्यापक असर आपको दिख रहा है? क्या जैसे आपने कहा, हमने ये पूरा मास स्क्रीनिंग शुरू करने का एक में वो उद्देश्य ही था कि हमारे नवी मुंबई में कोरोना की जो चेन है उसको ब्रेक करना और इनके जो कोरोना बाधित लोग हैं उनकी संख्या कम करना, हालांकि जीरो करना शायद पॉसिबल नहीं हो, लेकिन कम से कम हो, ये हमारा उद्देश्य है। तो ये उद्देश्य लेके हमने जब शुरुआत की थी ईश्वर नगर दीघा, उसके बाद हमने तुर्बे में हनुमान नगर में किया, फिर ऐसे आगे आगे सात जगहों पे हम कौन कौन से इलाके में किया गया हाँ बताए। तो पहले शुरुआत हमने ईश्वर नगर से की दीघा में, उसके बाद हनुमान नगर तुर्बे में शुरुआत की, उसके बाद हम रामनगर दीघा में गए, उसके बाद करावे गाँव, बोनकोड़े गाँव, ऊपर खैरणे गाँव, उसके बाद दिवाड़े गाँव, बेलापुर, और अभी आखिरी जो हम लोग वापस बेलापुर के तीन जगह पे करने का ये प्लानिंग है। तो ये सभी इलाकों में जब हम गए, डोर टू डोर कैंपेन आया, जैसे हमने सबसे पहले 2 जुलाई को शुरुआत की ईश्वर नगर में, 4 दिन में खत्म हुआ वहाँ, उसमें से कुछ सिम्टमेटिक लोगों को बाहर निकाला गया, उनपे इलाज किया गया। तो तब अगर आप देखेंगे नवी मुंबई महानगर पालिका का जो एक रिपोर्ट आता है कि कितने पॉजिटिव हुए, कौन से एरिया में क्या है, उसमें जो हम जो एरिया में स्क्रीनिंग करते थे तब जो वहाँ पे संख्या आती थी वो नगर या वो बस्ती, और अभी वो बस्ती में कितने हैं उसमें फर्क दिखता है, पॉजिटिव फर्क दिखता है। मतलब वो जहाँ पे वो संख्या तब ज़्यादा थी मास स्क्रीनिंग करने की वजह से वो अभी कम हुई है। तो जहाँ जहाँ पे हमने किया मास स्केल पे मास स्क्रीनिंग, वहाँ पे कुछ हद तक हम सार्थक हुए हैं, लेकिन पूरी तरह से शायद हो नहीं पाए, क्योंकि जो जो लोग सिम्टम है वो सभी को अलग करना उसकी से वो शायद अब तक पूरी तरह से हो नहीं पाए हैं, कुछ कारण हो सकते हैं उसकी वजह से। तो बहुत हद तक हमने जहाँ पे स्क्रीनिंग किया वहाँ पे हमने एक विषय को सार्थकता दी है। आपने बहुत बहुत साफ़ से आपने एक बात बोली कि आपका प्रयास तो स्क्रीनिंग का ठीक था, उसमें से जो सिम्टोमेटिक पेशेंट थे आपने उसकी जानकारी भी दी, लेकिन जिस तरह से उनको आइसोलेट करना था उस तरह से महानगर पालिका की व्यवस्थाएं अभी भी नहीं है कि कंप्लीट उतने लोगों को आइसोलेट किया जा सके, वहां से कहीं और क्वारंटाइन किया जा सके, ताकि जो दूसरा इलाका है जो संक्रमित होने का जहाँ पर खतरा है वो इलाका सेफ और ग्रीन जोन में आ सके। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जब इस तरह की व्यवस्था महानगर पालिका के साथ कोई संगठन करता है और नाम होता है महानगर पालिका की, ये सारा कामकाज जो महानगर पालिका के माध्यम से किया जाता है, तब आपको नहीं लगता कि ये जिसका क्रेडिट है उसी को ये क्रेडिट दिया जाना चाहिए? और उसका जो दूसरा पहलू है कि हम तो ये सारी चीजें कर दे रहे हैं, जैसे आप सब कुछ भोजन बनाने की सारी व्यवस्थाएं कर दी, भोजन पक भी गया, एक तरह से आपने भोजन पूरा पका दिया है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट सही लोगों के पास किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, इसको लेकर क्या आपका संगठन कभी उसे अधिकारियों से बातचीत कर रहा है कि भाई हमने तो मास स्क्रीनिंग कर दी, हमने तो आपको संख्या भी दे दी, हमने तो उसकी रिपोर्ट भी दे दी, लेकिन आप उसे उन्हें क्वारंटाइन और आइसोलेट तो नहीं कर रहे हैं? कभी आपने इस तरह का सवाल पूछा महानगर पालिका? जब ये वाशी एग्जीबिशन जो बना है,
जो हमने सिम्टोमेटिक पेशेंट को किया तो काफी तक उन्होंने क्वारंटाइन आइसोलेशन पेशेंट को किया yes, कि उन्होंने डेवलप किया था या महानगर पालिका का जो रुग्णालय है वाशी का वहाँ पे किया उन्होंने सेक्टर 15 केस में किया है हमने डेटा पे उन्होंने काम किया है लेकिन अधिक मात्रा में उन्होंने करना चाहिए संकल्प को तो नाम की जरूरत नहीं है हमें सेवा का भाव मन में है तो पब्लिसिटी इसमें से तो हम लोग आपने बहुत बढ़िया कहा कि जब ये सारी रिपोर्ट आ रही है और इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि संख्या बढ़ रही है मास स्क्रीनिंग सिर्फ पता लगाने का एक माध्यम है कि कितने लोग संक्रमित हो सकते हैं या कितने लोग आज वर्तमान में संक्रमित हैं जो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो उपचार की व्यवस्थाएं की गई वो आप उसे कितना ही कितना प्रभावी और कितना उपयुक्त मान रहे हैं योगेश जी ने भी जैसे कहा तो ये संक्रमण जो है करोड़ों का संक्रमण ये अचानक आई हुई आपत्ति yes. इसके लिए भारत पूरे भारत भर में भी कोई भी प्रशासकीय यंत्रणा तैयार नहीं थी पहली बात तो जब से ये समझो भारत में हमको पता चला कि करोना संक्रमण लगभग एक फेब्रुवरी के महीने के आसपास हमको ये समझ में आ रहा था मुझे लगता है तब से ही प्रशासकीय यंत्रणा में हलचल चालू हो गई लेकिन आखिरकार प्रशासकीय यंत्रणा है तो बहुत सारे अप्रूवल्स बहुत सारी मान्यताएं गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स मेडिकल डिसिप्लिन के मानदंड वगैरह वगैरह इन सब चीजों की पूर्तता करते करते ये व्यवस्था खड़ी करना इसमें थोड़ा समय जाता है तो लगभग हमने जब से काम करना शुरू किया मास स्क्रीनिंग मतलब लगभग मई महीने से तब से पर्सनली हमने ये देखा है कि नवी मुंबई महानगर पालिका ने बहुत सारा एफर्ट्स डाला हुआ है जैसे मैंने कहा कि 14-14 घंटे काम करना 16-16 घंटे काम करना एक भी छुट्टी न लेना ऐसा हमने खुद वैयक्तिक स्तर पर भी देखा है लेकिन कुछ अड़चने हैं जैसे ये क्वारंटाइन सेंटर है वाशी का तो उसकी भी शुरुआत अभी हुई है शायद वो थोड़ी जल्दी भी हो सकती थी लेकिन शायद कुछ अड़चने रही होगी तो मुझे ऐसे लगता है कि जब हम लोग एक्चुअल फील्ड पे जाके देखते हैं तो नवी मुंबई महानगर पालिका भी उनकी तरफ से बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं हालांकि नवी मुंबई महानगर पालिका में कुछ अधिकारी है जो बहुत ही कार्यक्षम है वो उनकी तरफ से यंत्रणा में रहकर भी बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं तो तैयारी हो रही है उपचार व्यवस्था किस तरह की है लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर मैं क्वारंटाइन सेंटर या कोविड केयर सेंटर उसमें डॉक्टर नहीं है इंस्ट्रूमेंट नहीं है मेडिसिन नहीं है इसे आप किस तरह से देखते हैं जो कि आपको सिस्टम में शामिल है हाँ वो अड़चने हैं डॉक्टरों की संख्या ही अड़चने हैं जैसे योगी जी ने पहले भी बताया हम लोग जब पहली बार गए मिलने के लिए तो सबसे पहले हमको यही पूछा गया कि आपके पास डॉक्टर कितने बताइए तो हमने बोला हमारा मॉडल थोड़ा अलग है क्योंकि हम सिर्फ डॉक्टर कितने हैं क्योंकि डॉक्टर भी बाहर नहीं आ रहे डिस्पेंसरीज बंद थी अगर हम सिर्फ डॉक्टर कितने हैं इस विषय को लेकर चलेंगे तो शायद ये मास स्क्रीनिंग हो ही नहीं पाए तो इसलिए जो मिनिमम चीजें हैं जो ट्रेनिंग दे के लोगों से कर सकते वो ट्रेनिंग दे सकते और जो सिम्टोमेटिक लोग जहाँ पे स्पेशल डॉक्टरों की जरूरत है सिर्फ उन्हीं लोगों को अगर अलग निकाल के डॉक्टरों को देंगे तो डॉक्टरों की संख्या कम लगेगी तो बस बिल्कुल जो जरूरत जिनकी जरूरत है जिनको ट्रीटमेंट की अगर सिर्फ उतने लोगों को हम निकाल कर आइसोलेट करके या क्वारंटीन करके वहां पर अगर कोविड केयर सेंटर में या जहां भी जो व्यवस्थाएं अगर वहां इंतजाम करते तो मुझे लगता है संख्या भी डॉक्टरों की कम लगेगी और उपचार भी आसानी से होगा क्योंकि बड़े पैमाने पर उपचार करना और सिलेक्टेड लोगों का उपचार करना दोनों में बहुत डिफरेंस है मैं आपसे आखिरी दो सवाल और पूछूंगा आपसे ये जानना चाहता हूँ क्या सुझाव आप देना चाहते हैं महानगर पालिका को कि क्या क्या और इंतजाम करने चाहिए तत्काल करने की जरूरत है आइसोलेशन केंद्र और क्वारंटाइन सेंटर बढ़ाएंगे तो इसका सजेशन है कि बहुत बड़ी महानगर पालिका की स्कूल में अच्छी बिल्डिंग्स है सुविधाएं भौतिक सुविधाएं अच्छी है तो उनको क्वारंटाइन सेंटर या आइसोलेशन केंद्र बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है हम काफी तक चेन ब्रेक कर सकते हैं और ये डॉक्टर जो है खाजगी डॉक्टर जो है प्राइवेट उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस में लाना पड़ेगा और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं
उनके जो प्रमुख डॉक्टर रहेंगे उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। तो इनके साथ बातचीत करेंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी इसमें सहभागी हो जाएंगे, लेकिन काफी मात्रा में उन्होंने किया, लेकिन अधिक तेज गति से बढ़ाना पड़ेगा। तो ये क्वारंटाइन सेंटर भी बढ़ेंगे, आइसोलेशन केंद्र भी बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है ये चेन ड्रॉप हो जाएगी। और ये लॉकडाउन जो है तो लॉकडाउन भी है, लेकिन जहाँ पे अधिक क्या करना चाहिए कि जोरों से करना चाहिए उस इलाके को होना चाहिए, जहाँ पे ज्यादा संक्रमण की ये हालात है वहाँ पे जरा ध्यान देना चाहिए। कपिल जी आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का सुझाव आप देना चाहेंगे? सबसे सरकार तो अपनी ओर से काम कर ही रही है, बाकी हम अपने स्वयं से और कॉन्फिडेंस बढ़े और इस कार्य में आगे बढ़े, यही बहुत बड़ी बात है हमारे स्वयं से आगे बढ़ने के लिए विश्वास करें। सर मैं सर आप क्या कहेंगे, क्या आप व्यक्तिगत तौर पर सुझाव देना चाहेंगे महानगर पालिका को कि जिस तरह की कंडीशन है उसमें ये इंतजाम करने आज के दौर में जरूरी है? मुझे मेरा ये सभी लगभग दो महीने से अब तक लेके दो महीने का प्रवास है नवी मुंबई महानगर पालिका, स्वयंसेवी संस्थाएं, जो लोकल ग्रुप्स है वो सबके साथ बात करने में, उनके साथ काम करने में मुझे ऐसे लग रहा है एक मेजर फोकस एरिया है जिसपे मैं चाहूँगा कि प्रशासन ध्यान दे, वो है कि इस नवी मुंबई में बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं। नमरुत मतलब हमारी जो सामाजिक संस्था थी वो ऐसी पहली संस्था थी जो नवी मुंबई महानगर पालिका को जाके मिली, उनको साथ हमने आह्वान किया कि हम भी आपके साथ काम करना चाहते हैं। ऐसी बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं, ऐसी बहुत सारी मित्र मंडल है, ऐसे बहुत सारे लोकल ग्रुप्स हैं। मतलब हम एक प्रामाणिकता से अगर मैं कहूँगा तो ये नवी मुंबई महानगर पालिका और जो लोकल कॉर्पोरेट्स हैं उनके बीच सिर्फ कम्युनिकेशन ना रहे मास मीटिंग का, ये जो सारी सामाजिक संस्थाएं हैं, बहुत अलग अलग समाज के लोग हैं, उनकी संस्थाएं हैं, वो संस्थाओं को भी अगर अप्रोच करेंगे हम तीव्र गति से तो ताकत बढ़ेगी, और ये बढ़ी हुई ताकत से हम कोरोना संक्रमण की चेन ब्रेक करने में, अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर खड़े करने में बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुल हो सकती, क्योंकि इसका अनुभव है। जैसे गुजरात भवन है वाशिंगटन, उनके पास अप्रोच करने के बाद उन्होंने वो उनके समाज के जो लोग हैं उनको उनके लिए वो क्वारंटाइन सेंटर बनाए। तो ऐसे प्रशासन अगर सभी सामाजिक संस्थाओं को अप्रोच करे, शायद वो टेक्निकली वो बहुत एक्सपर्ट नहीं होंगे, लेकिन शायद आपको सभी जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स नहीं चाहिए, जो ग्राउंड लेवल का काम करने के लिए जो लोग चाहिए, वो ताकत बढ़ाने के लिए अगर हम सभी संस्थाओं को अप्रोच करेंगे, उनके साथ चैनल्स ओपन करेंगे कम्युनिकेशन का, तो ताकत बढ़ेगी और उससे हम और अधिक क्रियाशील पद्धति से काम कर पाएंगे। बहुत आपने बढ़िया सुझाव दिया कि तमाम समुदाय है, तमाम संगठन है, सामाजिक संगठन है जो अपने स्तर पर बड़ा बड़ा काम करते रहे हैं, अपने समाज को लेकर करते रहे, अगर महानगर पालिका निश्चित तौर पर ऐसे सामाजिक और सामुदायिक संगठनों के साथ अगर अप्रोच रखती है और उनका आह्वान करती है तो मुझे लगता है इस कोरोना की लड़ाई को बहुत आसानी से जीता जा सकता है और जो जरूरतमंद लोग हैं उनको भी आसानी से मदद की जा सकती है। आखिरी सवाल मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, मैं एक एक लाइन में आप अपना जवाब दीजिएगा, लॉकडाउन को आप कब चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए? अभी सामान्य आदमी देखेगा कोई भी विचार करेगा तो तुरंत खत्म होना चाहिए ऐसा जवाब आएगा। कमलेश जी लॉकडाउन कब खत्म होना चाहिए? लोगों के अंदर जो डर बैठा है उसको डर बैठा है उस डर को जल्द से जल्द दूर होना चाहिए, इसलिए लॉकडाउन जल्द से जल्द खत्म हो यही फायदेमंद है। मैं सर मेरा भी यही ओपिनियन है कि लॉकडाउन हो या ना हो उससे क्या होता है उसके नंबर सामने हैं, तो उसका थोड़ा स्टडी कर सकता है प्रशासन, और मुझे ऐसे लगता है कि लॉकडाउन जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। एक मुझे जोड़ना है कि ये तो कोविड बढ़ने वाला है दिखता है, ये तुरंत नहीं जाएगा, लेकिन सामान्य आदमी अपनी सुरक्षा के साथ अपनी एक लाइफस्टाइल सेट करे तो मुझे खुद सुरक्षा के लिए रहेगा
और ये कोविड के प्रादुर्भाव में अपना ठीक ढंग से अपने जीवन व्यतीत कर सकता है, जी सकता है, तो सुरक्षादार रहेगी तो ये कोरोना बढ़ते रहेगा तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी। सेवा सुविधा जैसे प्रशासन करते रहेगा। जैसा कि आपने देखा कि जो तीनों हमारे पैनलिस्ट हैं ये आप आरएसएस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। अब वर्तमान में आपकी इच्छा है कि जिस तरह से महानगरपालिका काम कर रही है कोरोना को रोकने के लिए, उस अभियान को और भी गतिमान करने की जरूरत है ताकि जल्दी से जल्दी ये बीमारी खत्म हो, ये संक्रमण खत्म हो और ये लॉकडाउन खत्म हो ताकि लोग फिर से सामान्य जीवन जी सके, खुशहाली के साथ जी सके। हम उम्मीद करते हैं कि महानगरपालिका जो आपका सुझाव है, जो आपके कार्य है, जो आपके अभियान है, उनको और भी बल देगी। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर ये पूरा समाज जो है इस कोरोना के संघर्ष के साथ जुड़ जाएगा और निश्चित तौर पर ये पूरी ताकत है हम उस बीमारी को, उस संक्रमण को हराने में कामयाब होंगे। आज की बातचीत में बस इतना ही, दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए टीवी वन इंडिया। नमस्कार। 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 लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।